सर्वदा तुझे संगे आ तो हर वक्त तुम लोगों का साथ में हूं। तुरा देखते चाहे ना हम खुद तुम लोग देखना नहीं चाहते हो, मैं क्या करूं क्या करूं। और भी है फिर माँ ने बोला तोरा की करिस जेने रख, तोरा की करिस ना करिस निकटे ही होक बा दूरे ही होक যে কোনো সময় একটি লক্ষ্য তোদের উপর জেগে রয়েছে। জানলো তুম লোক নজদিক হো কি দূর মে হো, তুম লোক ক্যা করতে হো ক্যা নেই করতে হো, হর এক সময় ইস শরীর কা এক দৃষ্টি তুম লোক কা উপর सजाग है। दूसरा माँ कह रही है हमी तो तुम्हारे छेड़े जाई ना, मैं तो तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाती, हम तो तुम्हारे काछ ही आती, मैं तो तुम लोग का साथ में ही हूं। तीसरा माँ का एक चिट्ठी माने लिखा था, माँ का एक बहुत पहले वाला माँ की लड़की कहना पड़ता माँ, अरे शी इज द ओनली गर्ल जिनको माँ ने लड़की करके रिकग्निशन किया, उनका नाम है भ्रमर घोष। उसमें एक चिट्ठी में माँ ने लिखा हमी तो सर्वक्षण तोर दिखे चे आज, मैं तो हर वक्त तेरे तरफ देख रही, तू तो मुझे देखते देखते बहुत कुछ देखती है। तो माँ का दृष्टि हर वक्त हम लोगों का ऊपर है, तो कौन सा दृष्टि? इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन बहुत कुछ हो सकता है, लोग करते भी है, महासर्वव्यापी पूर्ण ब्रह्म सब कुछ है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन व्याख्या होता है ना, बुद्धि वाला व्याख्या, ये हम लोगों का सर का ऊपर से निकल जाता है। तो कुछ टेंजिबल कुछ चाहिए, कुछ उदाहरण चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। माँ का ये बात समझने के लिए
अपना व्यक्तिगत जीवन में कोई एक्सपीरियंस चाहिए। तो माँ का एक लीला बताता हूँ। ये लीला एक काली पूजा के बारे में, और काली पूजा पुजारी नहीं था। माँ का आने का पहले पूजा क्या चीज कहते, किसको कहते, कैसा होता है, इस बारे में हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, जानता भी नहीं था। जब भी ब्राह्मण का लड़का हूँ, जन्म भी हो गया था, तो जब तक 11 साल में जन्म हुआ, 15 साल तक जन्म गायत्री जब करना पड़ा, नहीं तो सुबह मेरी माता के खाना नहीं देती थी। जिस दिन आ गया कॉलेज में स्कूल फाइनल पास करके, उस दिन फर्स्ट थिंग आई थी जिंदा होस्टल, जनई खोल के फेंक दिया। तो 24 साल ये जनई नहीं था हमारा। 24 साल बाद जब माँ का पास आया, तो पहला दिन मैंने वही काम किया, बोला ब्राह्मण कर देखा जनई होना चाहिए, जनई दिलवाया दूसरे दिन। ये तो हो गया जनई के बाद। फिर पूजा, पूजा के बारे में नहीं जानता था, हमारा पहले पूजा ही इसलिए यह वेदिका सा था हमारा, बहुत पूजा का, हमारा पूजा का संपर्क बहुत था। तो उस समय माँ ने एक दिन, माँ ऊपर रहती थी, मैंने बोला सुबह आज तुझे यहाँ शिव जी का पूजा करना है। इस समय शिव मंदिर थे, ये जो बट वृक्ष है ना, इसका नीचे बहुत सारे नर्मदेश है। तो इसमें सबसे बड़ा जो नर्मदेश है, ये बहुत पुराना है, माँ का टाइम का है। मैंने भास्कर राम जी को बोला, भास्कर इसको पूजा कराओ। और भास्कर तो हाँ, माँ भास्कर राम जी पूजा वाले जानते नहीं थे, मतलब मेटिकुलस पूजा का जो पूजा सूत्र हिसाब के पूजा नहीं जानते थे। और हम लोग का पूजा का जानकार दो ही ब्रह्मचारी थे, एक शोभन ब्रह्मचारी शोभनदा वो करते थे, और अतुलदा तो जानते ही है। हाँ, निर्वाणदा, निर्वाणदा ही जो परफेक्ट पूजा है, स्वामी निर्वाणानंद जी परफेक्शन, उनका पूजा राजसिक पूजा है। मैंने अपना काम से सुना, माँ ने बोला भास्कर जो भी करे वही पूजा है, कोई नियम वियम कुछ चक्कर नहीं है। भास्कर आया, फूल दे दिया, पानी दे दिया, अगरबत्ती खिला दी, पूजा हो गई। और माँ ने लेकिन बोला, माँ वॉज वेरी मेटिकुलस इन हर बिहेवियर पैटर्न, लेकिन भास्कर जी को पता, भास्कर जो करता है वही पूजा है। और निर्वाण जी का पूजा करना बारे में मैं अपना कान से सुना है, क्योंकि कुछ दिन माँ का नजदीक रहने का मौका मिल गया था मुझे। मैं माँ का पत्र लिखा था, उनका चिट्ठियों का पेंडेंसी बहुत था, हजारों चिट्ठी था, और चिट्ठी लिखने वाला कोई नहीं था, वो जवाब देने वाला। तो हमारा अपॉइंटमेंट हो गया चिट्ठी लिखने के लिए। और उस समय कोई ब्रह्मचर्य अगर आश्रम में आते ना, तो उनको पहले भेज दिया जाता था परमानंद जी का। परमानंद जी स्वामी जी सारे आश्रम का देखभाल करते थे। हम लोग का आश्रम ज़्यादा है, लोग कम है, तो स्वामी जी कुछ काम में लगा देते थे। तो माँ ने पहले ही वो मुझे संस्था का काम का नालायक बना दिया। माँ ने मुझे मौन कर दिया, किसी से बात नहीं करना, यहाँ बोला दिया थी परमानंद जी से भी बात नहीं करना। तो माँ का ऊपर गुस्सा भी दिखाया है, इतना पढ़ा लिखा लड़का है, जवान है, इसको नकारा बना दिया। तो माँ ने हमारा अपॉइंटमेंट कर दिया, बोले हमारे चिट्ठी का बहुत पेंडेंसी है, तो तू चिट्ठी लिखेगा,
थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी जानता हूँ, बंगला भी तो बंगाली हूँ जानता ही हूँ, वो कर देगा। तो फिर भी छुटका नहीं है। तो यहाँ से हम लोग गोंडाल गए, गोंडाल राजबरी में वो होता था काली पूजा। तो माँ का समय का काली पूजा, माता तो सभी राजस महायज्ञ, कई भी पूजा मतलब महायज्ञ। तो काली पूजा तो सब माँ का शरीर ठीक नहीं था, ज्यादा देर बैठ नहीं पाती थी प्रांगण में। तो काली पूजा का दिन माँ का माने एक दफे निर्वाणों को बोला, निर्वाण इसको तुम पुजारी तुम्हारा हेल्प करेगा, सहायता के ले लो। निर्वाण जी ने सीधा मना कर दिया, नहीं नहीं मैं किसी को मैं सिखाने का मेरा मूड में नहीं हूँ, तो कोई जरूरत नहीं, और अपना पास रखो इसको, तुम्हारा चिट्ठी लिखेगा, हमारा पुजारी का हेल्प कर मना मत ठीक है। तो ऐसा हुआ, गंडन काली पूजा का दिन एक अद्भुत लीला हम देखा माँ का। पूजा पेंडल होता है ना, पूजा पेंडल में निर्वाणा पूजा कर रहे हैं, शैलेश का तंत्र धारक हेल्पर मंत्र, इसको तंत्र धारक के नाम से पढ़ाते हैं ना, तंत्र धारक। दिल्ली का केस्टर हेल्प कर रहे, और कन्यापुर का जितना कन्याएं है ब्रह्मचारिणी सब पूजा का सब जुगाड़ देने लगता है। माता व्यस्त, तो माँ बैठे थे उधर जी पीछे हवा कर रही थी, गर्मी गंडाल में गर्मी होता है। तो मैं माँ यहाँ बैठी, मैं यहाँ माँ का चरणों का पास मैंने बैठा, तो मैंने उसको यहाँ बैठा रहा निर्वंदा पूजा करते। तो काली पूजा बहुत विस्तार होता है ना, काली पूजा कम से कम 4 घंटा तो लगता ही है निर्वाण रहता, मेरा लगता था 6 घंटा। तो माँ उठी बिल्कुल, माँ का बिल्कुल जो भाव कुछ अलग से ही दिख रहा था हम लोग, मैं तो कभी कभी माँ का कुछ देखते थे कुछ, मतलब इतना गंभीर मुद्रा माँ को मैंने कभी नहीं देखा। उदास जी एक दो बार बोला माँ चलो, माँ ने जवाब नहीं दिया, ऐसा देखा मतलब। तो पूजा करीब 2 बजे खत्म हुआ, तो रात 2 बजे क्योंकि काली पूजा महा नहीं चाह 10 बजे शुरू होता है, 4 घंटा लगे, रात 2 बजे देता है। तो 2 बजे पूजा खत्म हुआ, तो हम लोग अपना अपना कमरे में चला गया क्योंकि थोड़ा सो लेंगे, क्योंकि 4 बजे फिर उठ के फिर चंदा वंदन वगैरह करना है। तो 2 बजे मैंने सोया तो दासुदा चिल्ला रहे थे, ये नया ब्रह्मचारी ना, गुंगा ब्रह्मचारी, गुंगा ब्रह्मचारी, क्योंकि माँ तो मैं तो बात नहीं करता। तो माँ तुमको बुला रहे, रात 2 बजे मैंने बुलाया, 2 बजे तो बात को दिखाएगा। माँ का बोली गंभीर मुद्रा, झट से माँ ने बोला तुझे 13 काली पूजा करना है, एक दीपावली का काली पूजा जैसा, इसी काली पूजा कोई संक्षेप नहीं, से विस्तार काली पूजा, दीपावली का काली पूजा जैसा 13 काली पूजा तुझे करना है एक साल, दिल्ली आश्रम में काली प्रतिष्ठित है वहाँ करना है। मेरा तो हाँ ना का कोई मतलब, माँ जो कही वही हो गया, मैं तो हाँ कर लेंगे। तो इस समय हमारा पूजा का वही हुआ, हमारा जो पूजा जो सिखाया भास्कर आनंद था। तो मैं कहा हाँ, तो माँ ने बोला ठीक है, पूजा का सारे के सारे मैं तुमको व्यवस्था हो जाएगा। उस समय बनारस में एक भोला दा करके भोलानाथ भट्टाचार्य अपना आश्रम का ही भोलानाथ भट्टाचार्य तंत्रधारक, वो बोले वो उसको पूजा सिखाएगा,
और पूजा का जुगाड़ जो है ना, ये सब कन्यापीठ वाला लड़की लोग, कन्यापीठ की लड़की लोग से करेंगे। तो माँ कसरत में घूमता था, तो बनारस जाके पूजा का कन्यापीठ तक दीदी लोग माँ का सामने इंस्ट्रक्शन दे, क्या करना करना है वो करना करना। और बोला ना, बोला था बोला माँ सिखा देंगे, तेरा पूजा में सीख जाएगा। तो मैं तो माँ का साथ घूमता था, तो पूजा का 3 दिन पहले जो कहीं भी हम लोग गए थे, माँ ये तो किसी का साथ मुझे दिल्ली गए थे, तो पूजा वूजा करके फिर वापस चला जाता था। लेकिन स्ट्रिक्चर था माँ का, बात नहीं करो, तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं होगा। अब सोचो दीपावली का काली पूजा, मतलब क्वालिटेटिवली किससे, क्वांटिटी छोटे काम धाम ज्यादा होता है वहाँ, लेकिन पूजा तो पूजा ही होता है दीपावली का काली पूजा। तो माँ ने बोला कुछ नहीं करती, तो कोई तुमको हेल्प नहीं करेगा। वो बाजार करना, पूजा का सामान खरीदना, बाजार में जाते फल को रसद ले आना, ये सब तुमको खुद करना है, लेकिन मौन नहीं भंग करना। और खाली इतना नहीं, यहाँ पे कोई फूल भी कोई नहीं उठाएगा तुम्हारे, दुर्वा भी कोई नहीं उठाएगा। अच्छा माला भी खरीदा हुआ है, माला नहीं, माला भी तुमको बनाना होगा, दो माला, एक काली के लिए और एक शिव जी के लिए। मैं 3 बनाता था, माँ के लिए बनाना ही पड़ता था, माँ का फोटो में। तो सब तो मेरा मन में, माँ कहती जाती थी मैं सुनता जाता था, लेकिन मेरा मन में कभी ऐसा नहीं है ये मैं कैसे करूँ कैसे, ऐसा लगता है कि सब कुछ हो ही जाएगा। और खाली इतना नहीं, भोग अन्नभोग देना पड़ता है ना, अन्नभोग भी मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। खाली अन्नभोग में क्या है ना, माँ ने बोल रहा तो अन्न तो देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पायस भी बना लेना। अन्न तो हो गई, और अन्न में एक तो सब्जी बनाना ही पड़ेगा तुझे, और 5 किस्म का फ्राई भाजा रखना पड़ेगा। तो ये मांस आइटम बनाते ही जाते थे, इतना करते ना। अच्छा तो अच्छा खीर जब देखा, थोड़ा 2-3 लुची भी बना लेना, बंगाली लुची पूरी, तो मैदा का पूरा, तो चटनी भी, चटनी वो नहीं, टमाटर नहीं चलता है ना पूजा में, इमली का चटनी कुछ क्या, ये सब मैंने कहा ठीक है। देखो मतलब मुझे सब कुछ करना है, फूल उठाना है, चंदन घिसना है, सब कुछ करना है। माँ ने बोला ये सब करके 8 बजे तक तेरा काम पूरा खत्म हो जाएगा, तो सारे के सारे चीज मंदिर में रख देना, रख के तो नहा धो के फिर आ जाना उस मंदिर में, आके तुम 10 बजे बैठ जाना पूजा में, क्योंकि महानिशा का पूजा होगा ना, और काली जी का पूजा ठीक 12 बजे होना पड़ता है। काली का जो ध्यान मंत्र जो हो ना, ये 12 बजे होना चाहिए। अच्छा ठीक है कर लेना, तो बोला था भाई, बोला था ओके। तो ये तो होते गया तो मेरा मन में था कि 12 एक साल में तो 12 अमावस्या होता है, तो 13 पूजा कहाँ से आ, पता नहीं था उस समय। बेंगोली अलमनाक भी नहीं थे, पंजिका जिसको कहता है, पंचांग भी नहीं उस समय नहीं हुआ, फिर माने वोटा 13 पूजा पीछे देखा तो अधिक मास था, अधिक मास में माने 13 अमावस होता है अधिक मास में, तो पूजा। तो जिस दिन हम 13th पूजा होगा शुरू होगा ऑन
दीपावली का, दीपावली का दिन 13 पूजा होगा दिल्ली में। दिल्ली में उस समय ये आज खत्म नहीं होगा तो काल इसको कहते हैं, ये माता का भूत लीला तो ऐसा है। तो दिल्ली में, तो दिल्ली में पूजा हो रहा है लक्ष्मी देवी, गंडाल का महाराजा का चाची, उनका पूजा होगा लक्ष्मी देवी, राजा रानी का पूजा, अभी करो कितना। और दिल्ली आश्रम में एकदम पूरा भरा पड़ा है, कन्यापुर से सारे लड़की आई है, सब कुछ आई सब है, सब ब्रह्मचारी है, साधु लोग आए। तो मेरा मन में लड्डू फूट रहा था, क्यों? क्योंकि मेरा पूजा भी हुई है उसने, एक रात में तो दो काली पूजा नहीं हो सकता है ना, एक ही मूर्ति के ऊपर। तो मेरा मन में लड्डू का चलो है, इतना लोगों का सामने मैं पूजा करूँगा, वो भी क्या राजा का राजा होस्ट कर रहा है तो पूजा, तो मेरे मन में लड्डू फूट रहा था। तो माँ का वहाँ गया, तो फिर भी मैंने बोला क्या बोल रहा है कुछ, हाँ माँ, तो काल उसी को दो दिन पहले का बात है, मैंने कहा माँ ये पूजा कौन करेगा, एक रात में दो दीपावली का पूजा एक मूर्ति में कैसा होगा, और दिल्ली आश्रम का काली मंदिर बहुत छोटा है। तो मैंने बोला आप क्यों, तो पहले दिन करेगा निर्वाण, दूसरा दिन करेगा, पंचांग में काली पूजा दूसरा दिन लिखा है। तो माने किसी से बुलाया और पानुदा को बुलाया, पानुदा को हर वक्त एक पंचांग लेकर चलते थे, पानुदा का पहचान दो चीज में, पंचांग और टाइम से भी लिया। टाइम से मिल जाओ अपने लिए नहीं, माँ को रात 10 बजे के बाद पूरा दुनिया का खबर बनाते थे पानी का, अब ये मैं अंदर का बात बता रहा हूँ। तो पानी का पंचांग जा तो पानो तारीख देख तो पानों के बाद बोला ये असल में क्या होता है, वो जो पंडित लोग का उन लोग का ऑल्टरनेटिव बहुत रहता है, जैसा कि काली पूजा का ये नियम है, पर्टिकुलरली दीपावली काली पूजा का नियम है कि जिस रात को 12 बजे अमावस रहता है उसी रात को काली पूजा होना चाहिए। और एक नियम है बंगाली ऐसा पंडितों का, उदय तिथि, जिस तिथि में सूर्योदय होता है तो दूसरा सूर्योदय तक वही तिथि कायम रहता है। तो देखा मेरा पूजा जिस दिन था उस दिन रात 8 बजे अमावस शुरू हुआ, अमावस चतुर्दश खत्म हुआ, अमावस शुरू हुआ रात 8 बजे, तो ये अमावस दूसरा दिन रात 7 बजे तक रहा। तो दूसरा दिन उदय मिल गया, तो दूसरा दिन अमावस नहीं रहते हुए भी काली पूजा पंचांग में लिखा था जो निर्वंदा करेंगे। तो माँ ने बोला असली पूजा तो तेरा ही हो रहा है। तो कोई बात नहीं, तो ऐसा है, हम लोग बहुत अपने को बहुत भाग्यशाली मानते थे कि अगर पूजा हम लोग का बस गुण है, पूजा का पंडल में माँ बैठती थी, पहले माँ का पूजा करते थे हम लोग, पाद्य देते, पाद में पानी देते थे, हाथ में अर्घ्य देते थे,
सिर पे फूल देते थे, गला में माला पहनते थे, कोई माला फिर वापस कर देते। फिर माँ का हम लोग बोलते थे माँ मुंह खोलो, है किशमिश मुंह में देते थे तो वो खाती थी, तो कभी कभी निकाल के दे देती, तो हम लोग थोड़ा संभाल के रखते थे। तो यही हम लोग का असली पूजा था। अब ये जो पूजा तो करना ही पड़ेगा, पूजा फिर तो इतना दिन क्या हुआ, 12 काली पूजा मैंने माँ का फोटो रख के मैंने किया बराबर। और उस दिन माँ को मैंने बोला था, उस दिन सुबह जाकर माँ तुम क्या पूजा का शुरू होने तक 2 मिनट के लिए तुम आओगे, मंदिर से पास होता है माधव रहे थे। माने हाँ ना कुछ नहीं करना, थोड़ा एक छोटा सा हल्की मुस्कुराहट मोनाली सा हंसी आई देखे तो मुझे लगना माँ आई। तो मैंने क्या किया, माँ के लिए जो स्टूल रखा था स्टूल में फोटो रखते थे, इस दिन फोटो नहीं रखा, बाकी पूजा का सामान माँ का पूजा का सामान फोटो नहीं रखा। तो सब कुछ करके आज मैं तो मतलब सेवन आज माँ आएगी हमारा पूजा का, सब ठीक ठाक करके मैं बैठ गया। तो 10 बजे पूजा शुरू करना है, तो मैं देखते रहा पूजा सामने काली सारे के साथ की घोड़ा पीछे है और माँ का यहाँ था ठीक है। मैंने काली को काली का पूजा किया, उनका तरफ नहीं देखते, मैंने खाली सीट के ऊपर देखते रहा माँ कब आएगी कब आएगी कब आएगी, माँ आई नहीं। सब कुछ हो गया, पूजा खत्म करने में हमारा सब कुछ, खाली पूजा खत्म करने से नहीं होगा, दूसरा दिन मंगल आरती होगा ना, पूरा साफ भी मुझे ही करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगी। तो साफ सुफ करके यज्ञ भी होता है ना सारे के साथ यज्ञ, तो साफ सुफ करके 4 बजे सोने का अभी तो जगाएंगे कुछ भी हो गया। मन में थोड़ा बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी मैंने रोने लगा टू बी ऑनेस्ट। माँ मैंने सोच लिया माँ आएगी, तो माँ नहीं आए, बहुत एक अभिमान होता है ना बच्चे, तो वैसा मैंने कब मैंने रोया नहीं, बट ऐसा ही लग रहा था। बहुत दुखी होके माँ गाँव में जाकर दरवाजा खटखट किया, थोड़ा गुस्सा भी था क्या है, तो मैंने बोला दरवाजा खोला है आ जा, दस गया जगह कुछ नहीं, उनका गया देखा माँ खटिया पर बैठी है, अपना तख्त पर बैठी है, उदास जी पास में खड़ी है। और मैं जाके वो जो यज्ञ का टीका लगाया हाथ में, जो अर्घ का जो होता है ना अर्घ लेकर माँ का हाथ में दिया, फिर मैंने कहा मुँह खोलो तो मुँह खोला, तो एक वो किशमिश के एक दाना उन्होंने दिया, तो मैंने तो इसके बाद मैंने प्रणाम किया, कोई बात की कुछ नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला थोड़ा ठहर जा, तो तब उदास जी ने माँ को डांटा, माँ अभी तो सो जाओ, अभी तो सो जाओ। तो उदास जी तो माँ का ऊपर गाड़ी करती थी और मुझे बोला ए शांति उदर निकलो, मार आप पर नहीं सोई। तो मैंने सोचा कब मैंने रो पाया, सच में रात भर नहीं सोई, लेकिन दो कदम थोड़ा ही करीब हार्डली 20 कदम होगा माँ का कम हो जाए। तो माँ ने बोला
उदास बोल काल रात को क्या हुआ? वो उदास जी बोल रहे थे तो मेरा दिमाग में नहीं गया। मैं बोला माँ अभी तो सो जाओ। उदास जी ने बोला हमारा दिमाग में है तो पीछे उदास जी कह रही थी उदास बोल काल रात को क्या हुआ? माँ वाज गिविंग रनिंग कमेंट्री ऑफ माई पूजा। उदास जी कह रहे थे अभी घंटा का आवाज सुना अभी शांति प्रदेश कर रहे हैं अभी वो कर रहे अभी वो कर रहे अभी कर टोटल रात 4 बजे तक माने राम अभी यज्ञ कर रहा है 4 बजे तक माँ रनिंग कमेंट्री दिया और वेट कर रहे हैं कब मैं प्रसाद आरोपी रख लेके जाऊंगा। इसीलिए एक प्रश्न जो है ना ये समझने के लिए मुझे बुद्धि का कोई जरूरत नहीं है। अभी तो तुझे संगी अच्छे थोड़ा देखने का स्नैक मैं तो तुम लोगों का साथ नहीं हूँ तुम लोग देखना नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ। असल में वही है मेरा इतना दुखी हो गया कि भाई कम से कम माँ का फोटो का भी तो पूजा करके शुरू नहीं कर पाए ये दुखी था। रात में यही बैठी थी मैंने देखा ना रात में इस आसन में रात भर बैठी थी और ट्रेनिंग के वंचित कर रही थी मतलब क्या है वही थी। चार मिनट ज्यादा ले लिया कल और पसंद आऊंगा।